हेलो एवरीवन। तो कैसे हो यार आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज यार मैं जेई मेंस और नीट के 2024 के स्टूडेंट के लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जिसको अगर आप कंप्लीटली फॉलो कर लो केमिस्ट्री में, तो आपके आने वाले रिजल्ट कार्ड में आपको 99% आते हुए दिख जाएगी। ये जेई मेंस और नीट 2024 के स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी पहली और आखिरी स्ट्रैटेजी होगी। इसके बाद कोई स्ट्रैटेजी मेरे से एक्सपेक्ट ना करना, क्योंकि पता आपको भी है यार, आप चाहे जो मर्जी बोल लो, पता आपको भी अंदर से है कि सिर्फ स्ट्रैटेजी देखने से तो सिलेक्शन नहीं होगा, करनी तो पढ़ाई ही पड़ेगी। जितना आप स्टडी करोगे उतना ही सिलेक्शन के करीब पहुंचोगे। बट हाँ, हमारे पास एक ऐसा रास्ता हो जिसमें रुकावटें बहुत कम हो तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। तो आज वही रास्ता मैं आपको देने वाला हूं। ठीक बात है। तो आज आपको एक कंप्लीट साइकोलॉजी मिल जाएगी, पूरी कंप्लीट एक स्ट्रैटेजी मिल जाएगी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको 99% दिलवा देगी इजिली अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो। ठीक बात है। अगर इसके बाद आप कोई भी स्ट्रैटेजी देख रहे हो तो इसका मतलब आप अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हो, क्योंकि आज मैं आपको वो सारे पॉइंट दे दूंगा जो आपको जरूरत है और जो आपके काम आएंगे। इसके अलावा कोई भी पॉइंट कहीं भी आपको किसी भी स्ट्रैटेजी में नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो बिलीव मी वो पॉइंट बकवास होगा, ओपनली बोल रहा हूं। ठीक बात। तो चलो शुरू करते हैं, बात करते हैं स्ट्रैटेजी के। तो देखो यार, मैंने पूरी केमिस्ट्री को 3 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया है, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2 और ब्लॉक नंबर 3। मैंने किस बेस पे डिवाइड किया है इसको समझो। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी उठा के ब्लॉक नंबर 1 में डाल दिया, मेरा मन किया इसको इधर डाल देता हूं, इसको इधर डाल देता हूं, कुछ भी ऐसे नहीं रैंडम किया है। कुछ सोच समझ के बहुत आराम से एनालिसिस करके फिर किया है। देखो, मैंने ब्लॉक 1 में कौन से चैप्टर्स डाले हैं। पहली बात, वो चैप्टर्स डाले हैं जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा है। वो तो आपको एक्सपेक्टेशन भी है कि आपको पता आइडिया भी होगा कि उसमें ही चैप्टर होंगे जिसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। बट लेकिन मैंने ए सिर्फ नहीं किया कि जिसकी वेटेज भर के है, जिसके क्वेश्चन भर के आते हैं, सिर्फ उसी को इसमें डाल दूं। फिर प्रॉब्लम क्या आती है, मेन प्रॉब्लम इसमें आती है कि जिसकी वेटेज मान लो हाई है, अब वो पीछे वाले अगर चैप्टर से लिंक है, फिर आप अगर सीधा उसको कूद के करने लग जाओ, कंगारू की तरह कूद जाओ और उसी चैप्टर को करने लग जाओ, तो आपको प्रॉब्लम होगी बेसिकली। अगर मैं फिजिक्स में बोलूं, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फिजिक्स में बोलूं कि आपको रोटेशनल मोशन करना है, रोटेशनल मोशन की वेटेज बहुत ज्यादा है मान लो, तो आप क्या सीधा रोटेशनल मोशन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो इसलिए मैंने इस ब्लॉक को बनाया है 2 चीजों को ध्यान में रखते हुए। पहली बात, वेटेज बहुत हाई है, भर भर के क्वेश्चन आते हैं इन सबसे। और दूसरी बात, मैंने इस ऑर्डर में इन चैप्टर्स को लिखे हैं कि अगर आप इस ऑर्डर में फॉलो करते हुए आए होगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा कि इस चैप्टर के लिए पिछले किसी और चैप्टर की जरूरत थी नॉलेज की। ठीक है। इस वे में ही इसको मैंने अरेंज किया हुआ है। बात समझ रहे हो? तो बात करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले आप केमिकल बॉन्डिंग करना। ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में इतने सारे कंसेप्ट हैं जो कि आपकी पूरी केमिस्ट्री में आपको मदद करेंगे, चाहे वो फिर इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, और फिजिकल में भी कुछ एक्सटेंट तक मदद करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर आपको केमिकल बॉन्डिंग करना है। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और GOC, ये 3 चैप्टर आपके लगभग 70-80% केमिस्ट्री के बेसिक जो कंसेप्ट हैं इन 3 चैप्टर में है। 70-80% कंसेप्ट की बात कर रहा हूं मैं। जितने भी आपके बेसिक कंसेप्ट्स हैं, अगर ये 3 चैप्टर आपने अच्छे से कर लिए तो आप हो ही नहीं सकता कि आपको केमिस्ट्री टफ लगे, क्योंकि मैक्सिमम चीजें इधर ही कवर हो जाती हैं अगर आप डिटेल में कर लो। तो ये 3 चैप्टर तो यार कोशिश करना कि वन शॉट की जगह वन शॉट ना देखना, इनकी कोशिश करना। आगे अगर देखो बाकी अगर चल जाता है, इनकी कोशिश करना कि थोड़े डिटेल लेक्चर देखो, ऐसे लेक्चर जिसको करने के बाद आप अगर जेई एडवांस का भी क्वेश्चन उठाओ तो आपसे वो भी हो रहा हो, इस लेवल के क्वालिटी लेक्चर्स हो। केमिकल बॉन्डिंग तो मैं करा चुका हूं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कराने मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, GOC कराने में भी मुझे, मतलब उससे पहले तो करा दूंगा, नीट से पहले तो, लेकिन जेई मेन से पहले मैं करा पाऊंगा कि पता नहीं। तो केमिकल बॉन्डिंग तो आप मेरे से कर सकते हो, इसके बाद आपको जेई एडवांस का कोई भी आप क्वेश्चन उठा लेना, जेई मेन और नीट तो चलो छोटी सी बात है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप जेई एडवांस का भी कोई क्वेश्चन उठाओगे तो आप हवा में फेंक रहे होगे। ठीक है। और बाकी ये 2 भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पे, यार आप किसी से भी कर सकते हो। डिटेल में करना है 3 चैप्टर, क्योंकि ये 3 चैप्टर आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे, फंडामेंटली आपको स्ट्रॉन्ग कर देंगे, फिर आगे बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे इधर है इधर है, फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपके ये 3 चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए।
क्योंकि ये आपके इनऑर्गेनिक के पूरे कंसेप्ट कंप्लीट कर देगी, ये आपके ऑर्गेनिक के कंसेप्ट कंप्लीट कर देगी, और ये कहीं ना कहीं हद तक डी एंड एफ ब्लॉक के काफी चीजें कंप्लीट कर देगी। ठीक बात है, तो इसलिए इन तीन चैप्टर को आराम से तसल्ली से करना, ये नहीं कि बस 5 घंटे का वन शॉट देख लिया खत्म कर दिया, नहीं ऐसे ना करना। बाकी सब में चलेगा, बाकी सब में कंप्लीटली चलेगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। तो मैं नहीं कहूंगा कि सबके आप ऐसे लेक्चर देखो जैसे 2 साल में देखते हैं कि हर एक के 16-17 लेक्चर देखो, वो टाइम भी नहीं है। लेकिन इन तीन चैप्टर के पहले देख लो, उसके बाद आप आगे वन शॉट देखना शुरू कर देना। ठीक है, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ कि आपको ही प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक बात है, तो आप पहले सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग करना, फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करना, फिर जीओसी करना, उसके बाद आ जाना आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में, फिर आप आ जाना पीरियोडिक टेबल में। मैंने इसी अकॉर्डिंग अरेंज किए हैं कि अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे हो इनसे पहले कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग करना है, नहीं कि सीधा पहले डी एंड एफ ब्लॉक करने लग गए। डी एंड एफ ब्लॉक सीधा करोगे तो आपको रटना पड़ेगा, लेकिन अगर केमिकल बॉन्डिंग करके ठीक है एटॉमिक स्ट्रक्चर करने के बाद आप डी एंड एफ ब्लॉक में जाओगे फिर आपको मजा आएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक बात है, फिर आपको बस रिएक्शंस कुछ याद करनी होगी, बाकी सारे कंसेप्ट आप पहले ही सीख के आए होंगे अगर आपने अच्छे से अच्छे जगह पर क्वालिटी लेक्चर्स देखे हुए हैं। फिर आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो इधर ही उड़ा चुकोगे। ठीक है, फिर आपको बस रिएक्शन वाले क्वेश्चन को याद करना होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बाकी सारी चीजें आप इधर ही सीख के आ चुके हो डी एंड एफ ब्लॉक की या पी ब्लॉक की। ठीक बात है, अच्छा तो आप इस ऑर्डर में ही करोगे यार, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जीओसी, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, डी एंड एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक। फिर करोगे डी एंड एफ ब्लॉक से क्वेश्चन बहुत आएंगे, पहले ही बता रहा हूं, पी ब्लॉक से ज्यादा इस बार डी एंड एफ ब्लॉक से आएंगे, क्योंकि पी ब्लॉक में काफी चीजें रिड्यूस हो गई हैं। ठीक है, तो डी एंड एफ ब्लॉक से क्वेश्चन भर के आएंगे, पहले ही बता रहा हूं, चाहे आपका जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट हो या आपका जो आपका नीट का एग्जाम होगा मई में, उन दोनों में ही आप देखना डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चन भर के आएंगे, पहले ही बता रहा हूं, इसलिए अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, उसके बाद आप मोल कंसेप्ट कर लेना, सॉल्यूशन फिर करना। देखो अब जैसे सॉल्यूशन आप अगर सीधा कूद के करने लग जाओ, क्योंकि सॉल्यूशन की वेटेज हल्की सी ज्यादा है मोल कंसेप्ट से, लेकिन अगर आप सीधा करने लग जाओ तो आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर आप पीछे सोचने लगोगे यार पीछे वाला नहीं आता है मुझे, ऐसे होगा। इसलिए पहले आपको मोल कंसेप्ट करना होगा, इससे भी क्वेश्चन आता है, फिर उसके बाद आप इस पर कूदना। ठीक है, सिर्फ अगर वेटेज के अकॉर्डिंग में लिस्ट बना दूं फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, मैं तो बना के चला जाऊंगा, तो एक बहुत सोच समझ के बनाइए आप, इसी सीरियल ऑर्डर को फॉलो करना। ठीक है, फिर मोल कंसेप्ट, सॉल्यूशन, फिर आपका यार केमिकल कनेटिक्स, फिर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइंस, ये आपकी लिस्ट है। अगर इस ब्लॉक को आप इस सीरियल ऑर्डर में फॉलो करते हो तो पहले आप स्टेज पार कर जाओगे और आप 96% प्लस आपके स्कोर कार्ड में अब आपको दिखने लग जाएगी। इतना आपने कर लिया अच्छे से तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरी अब 96% से तो ऊपर ही आएगी। ठीक बात है, अब उसके बाद आपको आगे क्या क्या सोचना है, 98% तक आगे का, सीधा नहीं 99% का सोचना है। पहले हमें यही सोचना है कि मैं 96% अपनी पक्की करूं, उसके बाद आप 98 पे जाओगे, फिर 99 पे आओगे। ठीक है, सीधा ही अगर 99 का सोचने लग जाओगे फिर आप खुद ही डिमोटिवेट होगे ना, ओवर एक्सपेक्टेशन करोगे तो 2 दिन बाद खुद ही डिमोटिवेट होगे। तो एक्सपेक्टेशन आप हमारी उतनी रखेंगे, उस अकॉर्डिंग रखेंगे जो हमें मोटिवेट करे, ना कि डिमोटिवेट करे। ठीक बात है, तो जब आप इसको कर लोगे तो आपके 96% प्लस आपको कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा कि हाँ यार अब तो मेरी 96% प्लस आ जाएगी अगर ये चैप्टर्स अच्छे से कर लूं। ठीक है, तो जिस दिन आप इस पूरे को कर लोगे तो उस दिन आपको कॉन्फिडेंस होगा कि मेरी 96% तो अब आ रही है। अब आप काम करोगे 96% से 98% पे जंप करने के लिए, इधर कूदने के लिए आप काम करोगे। तो इधर आपके मैंने यार ब्लॉक 2 में 5 चैप्टर रखे हैं, पहला है आपका हाइड्रोकार्बन, फिर है आपका बायोमोलिक्यूल तो नीट वाले बच्चों के लिए उड़ा के रख देते हैं, बायो में इतना डिटेल में कर लेते हैं ना, केमिस्ट्री में कुछ रह ही नहीं जाता है। हाँ, जेई वाले बच्चों को थोड़ा सा लगता है कि यार क्या क्या आ रहा है, लेकिन अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, गिने चुने 10-12 पेज है एनसीईआरटी में, 10-15 पेज है, उसी से पेपर आएगा, उसी से क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप 10-15 पेज भी नहीं कर पा रहे तो क्या बोलो यार, कर लेना। ठीक है, इस पर शायद मैंने पहले बहुत पहले वीडियो भी बनाई है, तो उसमें भी सारा कुछ कंटेंट है, वन शॉट में, टू शॉट में वैसे बनाई है, इनमें भी काफी चैप्टर्स मैंने वन शॉट टू शॉट में कराए हैं, लेकिन बहुत पहले कराए हैं, मतलब 1-1.5 साल पहले कराए हैं, 2 साल पहले आई थिंक, तो 2 साल पहले कराए हैं, लेकिन है उसमें सारी चीजें ऑर्गेनिक की। जैसे मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो ऑर्गेनिक की मैंने एक पूरी सीरीज बनाई थी 18 वीडियोस की, मैं अभी भी लिख के दे सकता हूं कि उससे बाहर ना जेई मेंस में ना नीट में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर आ ही नहीं सकता उस 18 वीडियो से, मतलब
और 20 घंटे में ही मैंने इतना कुछ दे दिया है जितना मुझे पता है, और मेरे केमिस्ट्री में 99% से ऊपर ही थी जेई मेंस में भी, ठीक है, और जेई एडवांस में भी बहुत अच्छा स्कोर था उसमें, तो उससे बाहर नहीं आएगा। तो अगर आप चाहो तो 20 घंटे और दे के अपनी ऑर्गेनिक पूरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। 20 घंटे हैं, मान लो आपको आप थोड़ा स्लो करते हो तो मान लो 25 घंटे लग जाएंगे, ज्यादा ज्यादा 30 घंटे लग जाएंगे। 30 घंटे में अगर आपकी ऑर्गेनिक पूरी अच्छी हो जा रही है, इस लेवल की हो जा रही है कि आप कोई भी क्वेश्चन करो तो आपसे हो जाए, तो क्या जा रहा है यार 30 घंटे दो ना, कहां लेके जाओगे टाइम को, ठीक बात है। तो ये आपका ब्लॉक टू है, आप ब्लॉक टू के आप जब 5 चैप्टर कर लोगे तो आप 96% से 98% प्लस पे कूद जाओगे। उसके बाद आपको फील आने लग जाएगा टॉपर्स वाला कि हाँ यार मेरी 98% प्लस हो गई है, इतना आसान नहीं है, लेकिन इसमें आपको पता है मेहनत करनी पड़ेगी। आप वीडियो स्ट्रेटजी वीडियो देखते हो तो आप मोटिवेट हो जाते हो, अरे यार ये तो बहुत आसान लग रहा है, मेहनत लगेगी भाई इसमें, लेकिन मेहनत आप कर सकते हो, बातें हैं, ठीक है, कर लो मेहनत, नहीं तो फिर ड्रॉप लोगे, फिर मेहनत आएगी, फिर प्रेशर आएगा, उसका कोई फायदा नहीं है यार। 4 महीने मेहनत करो, उसके बाद जाइए आप बीटेक करोगे, ठीक है। बीटेक में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, जब आईआईटी एनआईटीज में आप चले जाते हो तो पेपर से एक दिन पहले ही पढ़ते हो आप, तो 4 साल आप मौज ही काटते हो। एमबीबीएस वालों का काम अलग है भाई, उनका एक नोबल कोर्स है, उनको पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन एंजॉयफुल पूरा होता है उनका भी कैंपस। तो एक बार यार इन चीजों से निकल जाओ, 4-5 महीने पढ़ के अच्छे से दबा के पढ़ के इन चीजों से निकल जाओ कि अपनी आप आगे वाली लाइफ को देख पाओ, ठीक है। आगे वाली लाइफ इधर इस लाइफ से बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है, तो प्लीज 4-5 महीने इतना दे दो कि यार इसके बाद वापस नहीं मैं जेईई या नीट की तैयारी करूंगा और सिलेक्ट भी इसी साल होऊंगा, इस माइंडसेट से चलो, ठीक बात है। चलो उसके बाद आगे के जो है बचे हुए चैप्टर्स है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखो मैं अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को इधर उठा के रख देता जो इसके इससे भी आपका क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर मैं इसको उठा के इधर रख दूं आपको प्रॉब्लम होगी, मुझे पता है ना आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैंने इसको इधर रखा है। तो पहले आप इसको करोगे, फिर आप इसको करोगे, फिर आप इधर कूदोगे, ठीक है। फिर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लेना, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर लेना, हेलो एल्कीन्स एंड हेलो ओलेइन्स करना, उसके बाद अल्कोहल फिनोल ईथर आइसोमेरिज्म एंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, इस बार ये ऐड ऑन हुआ है तो इसको भी आप लास्ट में करो, सबसे लास्ट में इसी को करना। तो ये आपका सीरियल ऑर्डर है यार, ये 3 ब्लॉक है, ए ब्लॉक आपको 96% के ऊपर पहुंचाएगी, ए 98% के ऊपर, ए 99% के ऊपर, यही 3 चीजें हैं, इन 3 चीजों को फॉलो करना। और 3 चीजें 3 गोल्डन रूल्स हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के, पहले अच्छे से चैप्टर कंप्लीट करो, दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तीसरा मल्टीपल रिवीजन करो, यही 3 पॉइंट हैं। इसके अलावा बाकी कोई भी पॉइंट है तो बकवास पॉइंट है, यही 3 मेन पॉइंट है। पहला क्या, पहला गोल्डन रूल क्या है, पहला गोल्डन रूल है कि आप अच्छे से चैप्टर को कंप्लीट करो, दूसरा है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस में पहले कोशिश करो कि प्रीवियस क्वेश्चन करो, फिर अगर टाइम बचता है तो कहीं से डीपीपी वगैरह कर सकते हो, अभी के लिए पहले 5 से 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन करो तो सफिशिएंट है। उसके बाद मल्टीपल रिवीजन करो, एक रिवीजन का टाइम बना लो कि 21 दिन बाद मैं इन सारे चैप्टर्स जितने भी मैंने 21 दिन में सारे चैप्टर किए हैं उन सारे को मैं 21 दिन बाद रिवाइज करूंगा, या 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, जो भी आपको लगता हो, जो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग या अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग। मैं ये नहीं बोल सकता ना कि 7 दिन बाद ही करो, क्योंकि अभी मैं भी ऐसा भी हो कि कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसके चैप्टर्स ही इतने कंप्लीट ना हुए हो, तो फिर वो अगर रिवीजन में ही टाइम दे देगा फिर कैसे चलेगा, इसलिए मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। कोई 7 दिन बाद करोगे जिसके चैप्टर अच्छे से कंप्लीट है, काफी ज्यादा कंप्लीट है, किसी के कम कंप्लीट है तो 10 दिन बाद, किसी के बहुत ही कम कंप्लीट है तो 21 दिन बाद रिवीजन का रखो, लेकिन रखो जरूर, रिवीजन काम आएगी, ठीक बात है। तो यार पूरी ओवरऑल बात थी केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी के बाद, इसके बाद प्लीज कोई भी वीडियो ना देखना। अगर आप इसके बाद अगर स्ट्रैटेजी की वीडियोस देख रहे हो तो आप अपने आप ही अपने जो रिजल्ट में आपका जो परसेंटाइल आ रही होगी आज, उसको आप अपने आप ही रिड्यूस कर रहे हो। अगर आप स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हो तो 99 से 98 पे पहुंच रहे हो, 98 से 97 पहुंच रहे हो, 97 से 96 पे पहुंच रहे हो। बिलीव मी, मैं सही बता रहा हूँ, नहीं मानो आप पे है, आज नहीं तो मई में तो मानोगे जब रिजल्ट आ जाएगा, अगर आप स्ट्रैटेजी वीडियो ही देखते रह जाओगे। और आप कर सकते हो सारी चीजें, आप कर सकते हो, सब कुछ है यार, अब तो आपके पास फोन है, फोन में सारा कंटेंट है, अच्छे अच्छे टीचर है पढ़ाने वाले, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ मिल रहा है यार, और क्या चाहिए। और कोई हेल्प चाहिए तो बताओ मुझे, मैं करूंगा, लेकिन करो, बस आप करो, कराने वाले बहुत बैठे हुए हैं, ठीक बात है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हुआ तो बताना मुझे, मैं थर्मोडायनेमिक्स अब शुरू करूंगा, अगर कोई आपके 11th का स्टूडेंट हो या 12th का भी हो तो चलेगा, तो आप थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट।